हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है बेसनोस ट्यूटोरियल पर। और जैसा आप लोग जानते हैं कि एप्टीट्यूड और जो मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं, साइड बाय साइड हम अपना जो उत्तराखंड है उस पर भी काम कर रहे हैं। छोटे टॉपिक्स अभी हम क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो चलिए, पहला जो है आप लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है आपका शिलालेख और अभिलेख। पुराने ज़माने में क्या होता था कि प्रिंटिंग प्रेस और चीज़ें, इंटरनेट तो थी नहीं, तो जो शिला होती थी, पत्थर होते थे, उन पर कुछ लेख लिख लिए जाते थे। जो भी अचीवमेंट होती थी राजा की, वो पत्थरों पर लिख लिए जाते थे। तो आज की डेट में वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे हमें इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। हम हिसाब लगा पाते हैं कि कौन सी जगह पर कौन से राजा थे, उन्होंने किस तरह के काम किए थे। तो काफ़ी सारे जो डाउट्स होते हैं इतिहास के बारे में, वो इन चीज़ों से क्लियर होते हैं और श्योरिटी मिलती है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था या कोई राजा उस टाइम पे थे। दूसरी चीज़ है आपकी अभिलेख। अभिलेख यूजुअली ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे, लेकिन जैसे आप गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख देखेंगे तो त्रिशूल पर या किसी और चीज़ पर, शिला के अलावा जो भी चीज़ें लिखी जाती थी वो आपकी होती थी अभिलेख। उसे हम क्या कहेंगे, अभिलेख कहते थे। तो कुछ शिलालेख और अभिलेख इस तरह से हैं, हम लोग उन्हें याद करने की भी कोशिश करेंगे। पहले आप देख लीजिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका कालसी का। यहाँ पे है ईसा पूर्व 257, तो 257 BC, ओके, में इसको इसका ये लिखा गया है। टॉन्स व यमुना के संगम पर ये है। तो जो कालसी है वो कहाँ पर है, टॉन्स और यमुना के संगम पे। इसमें जो भाषा का यूज़ हुआ है वो है प्राकृत भाषा, और जो लिपि है वो है ब्राह्मी। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो लिपि है वो है आपकी ब्राह्मी, और जो भाषा है वो है आपकी प्राकृत भाषा, जो कि इस शिलालेख पर लिखी गई है। और इस पर लिखा क्या गया है, यहाँ पे घोषणा की गई है, मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई है, लोगों ने हिंसा त्यागने और लोगों से हिंसा त्यागने की बात कही गई थी। तो आप लोगों को पता है कि जो कालसी का लेख है वो अशोक से रिलेटेड है। पुलिंद और अपरांत, यहाँ पे दो वर्ड याद आप लोगों को रखने हैं कि कालसी का जो अभिलेख है उसमें लोगों के लिए पुलिंद वर्ड यूज किया गया है, जो वहाँ के रहने वाले हैं पुलिंद, और बाद में इन्हीं को कुड़िंद भी माना गया है। तो इसके बाद एक और आया है, क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द यूज किया गया है। तो ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि अपरांत क्या था, वो क्षेत्र का नाम था, उस एरिया का नाम था, और पुलिंद कौन थे, वहाँ के रहने वाले लोग। दूसरा जो है वो है आपकी राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। अच्छा, अगर आप इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो आप लोगों के माइंड में एक पिक्चर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जिससे कि आपको सारे जो शिलालेख हैं वो आप लोगों के माइंड में रहें। कि एक आप मंदिर इस तरह से बना लीजिए, और मंदिर को अगर आप ऐसे बनाएंगे और उसका जो डिज़ाइन आप बनाएंगे, राइट, ये आपका उसका दरवाज़ा हो गया मंदिर का, और मंदिर के अंदर आप एक छोटी सी मूर्ति इस तरह से बना लीजिए, ऑलराइट। तो मूर्ति से आपको मूर्ति पीठिका ये याद रहेगा, मूर्ति से मूर्ति पीठिका। और जो इसकी दीवारें हैं वो आप ईंटें बना लेंगे। ये क्या है, आपकी दीवार जो है इस पर आपकी ईंटें हैं, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका, तो मंदिरों पर, मंदिर की जो दीवार है यहाँ पर, ऑलराइट, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ उत्कीर्ण कर लेनी है। उत्कीर्ण का मतलब होता है कि उसको इंस्क्रिप्शन किया गया है, उसे खोद कर लिखा गया है, ऑलराइट। और यहाँ पर है आपकी राजकुमारी ईश्वरा, जो कि कहाँ आ रही है, मंदिर की तरफ आ रही है, अपनी थाल लेके मंदिर की तरफ आ रही है। एक जो जब भी आप मंदिर को देखेंगे तो मंदिर के बगल में आपको क्या दिखेगा, एक ध्वज दिखेगा। ध्वज का मतलब होता है फ्लैग, ठीक है। तो एक फ्लैग हमेशा मंदिर के अगल बगल रहता है। तो देखिए, ये पूरी स्टोरी अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी याद। और जो ये मंदिर है, ये गोपेश्वर का मंदिर है, आप इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। और गोपेश्वर के मंदिर में क्या है, यहाँ पे एक त्रिशूल भी है बड़ा सा, और ये आपका इस पिक्चर में आपके लगभग सारी चीज़ें आ चुकी हैं। मंदिर के बगल में जो अभी ये कुमारी ईश्वरा है, ये एक गुफा से आ रही है, ऑलराइट, ये गुफा के अंदर से आई है। तो अब आप देख लीजिए कि सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे त्रिशूल लेख, त्रिशूल से आपको याद आ जाएगा, मतलब एक मूर्ति पीठिका, ये मूर्ति है, राइट। मूर्ति के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे मूर्ति पीठिका कहा जाता है। उसके अलावा गुफाओं पर हमें मिले हैं, तो ये गुफा से आपको याद आ जाएगा, ओके, गुफा वाली कौन सी थी, तो वामन गुफा,
ये देवप्रयाग में है। आप लोगों को पहले सिर्फ इस पिक्चर से आप लोगों को सारी चीज़ें इस पेज में लिखे हुई जितना कंटेंट है उसे आप लोग एक बार रिलेट कर लीजिए। ये ईंटें हैं, ये आप ऊपर जो मंदिर पर लिखी गई लेख है, मूर्ति पीठिका का है, त्रिशूल लेख है, और आपका ये जो ध्वज पर है, तो ध्वज से आपको नीचे का आप लोगों को लास्ट वाला देखिए, यहाँ आपको मूर्ध्वज स्तूप से याद आ जाएगा, मूर्ध्वज स्तूप। तो सारी चीज़ें आप लोगों को ये तो याद हो गई होंगी कि किस किस तरह के जो शिलालेख थे और अभिलेख थे वो मिले हैं। तो अब फिर से आ जाते हैं यहाँ पर। तो मैंने देखा पुलिंद जो था लोग थे, अपरांत जो थे क्षेत्र का नाम था। राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख है वो लाखा मंडल से मिला हुआ है। तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, जो थाली है वो मंदिर की तरफ आ रही थी, तो थाली में उसने 1 लाख रुपए रखे हुए थे, ध्यान रखिए उसने कितने रखे हुए थे, 1 लाख रुपए। तो जो राजकुमारी ईश्वरा है वो लाखा मंडल से, वो ईश्वरा का जो शिलालेख है वो लाखा मंडल से मिला है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जो यमुना उपत्यका था उसमें यादवों का राज्य था, इस बात की जानकारी इस शिलालेख से मिलती है, ध्यान रखना अपना आप लोगों को। ऑलराइट, तो यमुना के आसपास किसका था, यादवों का, यमुना का, यादवों का शिलालेख जो था राजकुमारी ईश्वरा का था, लाखा मंडल आप लोगों को याद हो जाएगा, उसने 1 लाख रुपए उस थाली में रखे थे। आपको दिमाग में बिल्कुल पिक्चर होनी चाहिए, जब भी शिलालेख की बात आएगी आपको मंदिर, उसके बगल में जो त्रिशूल है, ऑलराइट, इस तरह से आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि ये मंदिर है आप लोगों का, उस पे ईंटें लगी हुई हैं, मंदिर के अंदर एक मूर्ति है, मूर्ति पीठिका के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको त्रिशूल याद रखना है, और जो मोर ध्वज है, मोर ध्वज का जो है इस पे ध्वज बनाओ और उस पे आप मोर लिख सकते हो, ठीक है। और मोर के बाद आपको र आ रहा है ना यहाँ पे, तो आपको इससे याद रखना है कि ये कोट द्वार में है, कोट द्वार, ऑलराइट, तो यहाँ पे भी र है, यहाँ पे भी र है, इस तरह से आप लोग कोट द्वार मोर ध्वज, ऑलराइट, तो मोर कोट द्वार, ओके, तो इस तरह से आप लोगों को ये याद रखना है। उसके बाद है मंदिरों पर उत्कीर्ण कहाँ कहाँ मिले हुए हैं, एक तो गोपेश्वर, गोपेश्वर में जो है आपका त्रिशूल वाला अभिलेख केदारनाथ में मिलता है और कालीमठ में है। गुफाओं पर कहाँ कहाँ मिला हुआ है, देवप्रयाग में और कल्पनाथ में आपको ये मिलता है। ईंटों पर कहाँ कहाँ मिला है, नैनीताल में और बाड़ा वाला देहरादून में, तो जब भी वाला आएगा तो वो देहरादून में ही यूजुअली होता है। तो ईंटों पर कहाँ पर मिला आपको, नैनीताल में। मूर्ति पीठिका में आपको देवलगढ़ और कोलसारी में मिला हुआ है, मूर्ति पीठिका देवलगढ़ और कोलसारी में। त्रिशूल लेख जो है वो आपका गोपेश्वर में है और बाड़ाहाट में भी है, गोपेश्वर के साथ साथ आपको बाड़ाहाट भी याद रखना है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख, इसमें 2 राजाओं के नाम है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि ये तो सभी को याद हो जाता है कि त्रिशूल लेख जो है गोपेश्वर में है, लेकिन आपको गोपेश्वर में आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 राजाओं के किन किन के नाम है, एक है नागपतिनाथ और दूसरा है अशोकचल। अब गोपेश्वर त्रिशूल की बात आ रही है तो त्रिशूल से आपको याद आएगा, जैसे हम शिव भगवान की बात करें हम, कि यहाँ पे शिव भगवान हैं बैठे हुए, ऑलराइट, उनके बगल में वो त्रिशूल हमेशा अपने साथ रखते हैं, और दूसरा क्या रखते हैं, नाग, उनके जो गले में होगा वो क्या होता है, नाग। तो आपको याद रखना है कि गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है उसमें साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि त्रिशूल किसके पास है, शिव भगवान के पास में, तो यहाँ से आपको नागपतिनाथ, नाग भी याद हो जाएगा, अशोकचल, और अशोकचल दूसरा राजा था। मुद्राएं, मुद्राएं वाले लेख कहाँ से मिला है, मिले हैं, सुमाड़ी से मिला है, मुनि की रेती से मिला है, मुनि की रेती और सुमाड़ी, ठीक है। लास्ट क्या कौन सा है आपका, मोरध्वज का स्तूप, ये 3री सदी का मुद्रा लेख है, और आपको ध्यान रखना है कि जो मोरध्वज है, मैंने कहा था ना आपको कि मोर से आपको मोर और कोट द्वार, ये आपको ध्यान रखना है, कोट द्वार, ओके, कहाँ पर है, कोट द्वार में, तो इस तरह से, या मोर ने कोट पहना है, इस तरह से आप कर सकते हैं, ऑलराइट, मोर ने क्या किया है, कोट पहना है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। तो जो आप वहाँ पर जो भी आप पिक बनाएंगे, आप लिटरली आप लोगों को ये बनानी चाहिए, जैसे ये है कि आप अपने नोट्स बनाएंगे तो वहाँ पर आपको एक पिक बनानी है, तो पिक से आपको सारी चीज़ें, लगभग आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो ये थाली थी इसमें ये पहले तो ये कौन है, ये राजकुमारी ईश्वरा है, इसने कितने रुपए रखे हुए थे यहाँ पे थाली में, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है ये है कहाँ, लाखा मंडल में। दूसरा यहाँ पे जो मोर है, ऑलराइट, ये मोर है कहाँ का, ठीक है, तो ये आपका है कहाँ का, कोट द्वार का, ये मोर अगर याद ना रहे
तो मोर ने पहना क्या है, तो उसने कोट पहना है, कोट द्वार, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो एक छोटा सा ये टॉपिक था आपका, और लेकिन इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, पुलिंद किसके लिए, अपरांत किसके लिए यूज़ किया गया था। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों को ये PDF में मिलेंगी, इन्हें आप लोगों को, कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को कहा कि सारी चीज़ें शॉर्टकट से नहीं हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों को खुद से उन्हें रटना है, और सारी चीज़ें यूज़ करनी है, पिक्चराइजेशन ट्रिक और रटना सारी चीज़ें, डिटेल स्टडी, और फिर फाइनली आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एक चीज़ से नहीं होगी, दूसरी चीज़ से होगी, दूसरे से नहीं, तीसरे से होगी। ऑलराइट, लेकिन हमें फाइनली याद करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।